टॉपिक इज और क्वेश्चन इज राइट डिफरेंस इन कंपाउंड एंड मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस लिखना है हमने। डिफरेंस लिखने के लिए हमें कॉलम बनाना होता है। लास्ट टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आया भी था केमिस्ट्री के पेपर में। राइट डिफरेंस इन कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपैरिजन ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर कंपाउंड, सबसे पहले कंपोजिशन का डिफरेंस है। मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास, वेयर एज कंपाउंड हैज़ फिक्स कंपोजिशन बाय मास। इसके मुताबिक जब हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जितने भी एटम्स यूज़ होते हैं उन सब की एक फिक्स कंपोजिशन होती है, फिक्स रेशियो होती है, फिक्स मास होता है। लेकिन मिक्सचर में हम कोई फिक्स अमाउंट नहीं रखते। फॉर एग्जांपल, हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें हमने 1 स्पून NaCl डाल दिया। अब हमें ये नहीं पता कि वो जो वाटर है वो कितने ml है और वो NaCl है वो कितने ग्राम है। ठीक है, हम अपने अंदाजे से चाय में चीनी डालते हैं, दैट इज़ अ मिक्सचर। हम रूह अफज़ा या वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, दैट इज़ अ मिक्सचर। वी हैव नो फिक्स कंपोजिशन। सेपरेशन और ब्रेक डाउन, कॉम्पोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मैथड, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मैथड। मिक्सचर के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल मैथड से जो है वो अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने शुगर सोल्यूशन बनाया है तो हम इवेपोरेशन के मैथड से उसको अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड है तो वो फिजिकल मैथड से नहीं होता, उसके लिए हमें केमिकल मैथड्स चाहिए होते हैं। प्रॉपर्टीज़, मिक्सचर हैज़ सेम प्रॉपर्टीज एज इट्स कॉम्पोनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर अगर है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो उसकी कॉम्पोनेंट्स की हैं। अगर हमने शुगर सोल्यूशन बनाया है तो हमें पता है कि दैट विल बी शुगर, उसमें वो मीठा होगा। अगर हमने NaCl का सोल्यूशन बनाया तो हमें पता है वो नमकीन होगा। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में जब भी हम 2 या 3 एटम को, मॉलिक्यूल्स को मिक्स करते हैं तो हमें एक यूनिक सी, एक डिफरेंट सी चीज़ मिलती है। एनर्जी चेंज।